नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। लखीमपुर हिंसा के बाद से लगातार पीड़ित किसान चश्मदीद किसान, मौके पर मौजूद किसान ये दावे के साथ कह रहे थे कि जब मंत्री पुत्र आशीष मिश्र अपने साथियों के साथ किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ा, तब गोलियों की आवाज़ भी आती रही और गोलियां भी चली थी। आशीष मिश्र और उनके साथियों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन इस बात को दबाने के लिए लाख बार ये कहा गया कि वो गोली नहीं चली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। सबूत ये कि मंत्री का बेटा उर्फ मोनू मिश्रा, उसके दोस्त और उसके साथ और जो लोग थे उनके पास हथियार थे और इन हथियारों से गोली भी चली थी। और इस गोली चलने का खुलासा FSL की बैलिस्टिक रिपोर्ट से हो चुका है। जी हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच नहीं हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूपी पुलिस को कि किस तरीके के आप जांच कर रहे हैं और अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज ये खुलासा हुआ है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया है कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने गोली चलाई थी घटनास्थल पर किसानों को मारने के लिए। तो चलिए अब आपको ये पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है कि हिंसा के वक्त फायरिंग भी हुई थी। 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की राइफल भी जांच के लिए भेजी गई थी। बड़ी बात यह कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चलने की पुष्टि हुई है और एक दूसरे आरोपी अंकित दास की पिस्तल की भी जांच हुई। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन की भी जांच हुई। घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलों से फायरिंग हुई थी। आपको ये भी बता दें कि हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जांच में पुलिस को गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले थे। इसी आधार पर राइफल जब्त की गई थी। आपको ये भी बता दें कि जज ने कल ये भी कहा था कि सिर्फ हल्फनामे पर ये सारी बातें हो रही हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मंत्री पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, जिसके चलते ना सिर्फ किसानों की मौत हुई बल्कि इसमें एक पत्रकार की भी जान चली गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आशीष मिश्र उसका बेटा है जो मंच से किसानों को धमकाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ था आपने वो वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें अजय मिश्र गाड़ी से जा रहा है और किसान काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अजय मिश्रा उनको ठेंगा दिखाता है, इस तरीके का इशारा करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है कि जब अमित शाह रैली करते हैं तो उनके साथ कोई और नहीं बल्कि अजय मिश्रा दिखाई देते हैं। मानो अमित शाह पूरी लखीमपुर जनता को ठेंगा दिखा रहे हों कि ये बंदा तो मेरे साथ रहेगा, तुमसे जो हो सके तुम कर लो। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अजय मिश्र जैसे इंसान को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपके इस मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।